चलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में, इतनी बड़ी कि जो इस वर्ल्ड का पहला डिजिटल कलर कैमरा था वो भी इसी कंपनी ने बनाया था, और यूएस की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ये है। और इतनी बड़ी कंपनी है कि हर कंपनी का एक मिनिमम कैश प्राइस होता है, मतलब कैश बैलेंस होता है कि कितना हर टाइम उसके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए, और वो है इसका $155 बिलियन। सबके गेस लगे गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी की, जो कि है एप्पल। अब पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो है एप्पल बंद होने वाला है, क्या एप्पल कंपनी बंद हो सकती है, टाइटल से पता लग ही गया होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस टाइम कोरोना से चल रहा है। अब आप कहोगे कोरोना इसमें कहां से आ गया, बता रहा हूं भाई, शांति रखो, धैर्य रखो। हाँ, और ये कोरोना जो है वो चाइना से आया। तो अभी मोदी जी का जो भाषण आया था, भाषण कह लो इंटरव्यू कह लो, उसमें मोदी जी ने कहा था कि अब हमें मेड इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है। बाहर की कंट्रीज का, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, फेस प्रोडक्ट हो, मेकअप हो, फोन्स हो, पीसी हो, ये सब बाहर का नहीं, इंडिया में ही होगा। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, हर कंट्री ये फोकस कर रही है कि जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो चाइना से मेड, चाइना के बने हुए, चाइना में असेंबल हुए ना हो। तो इस टाइम एप्पल कंपनी के पास एक या सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, मुश्किल आ रही है कि अब हम अपने प्रोडक्ट असेंबल कहां पर करें, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो वो कैलिफोर्निया में कर लेते हैं लेकिन असेंबली हमेशा उनकी चाइना में होती थी, ये सबको पता है। अब हर कंट्री ऐसा क्यों कर रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स बंद हो जाने चाहिए, बैन हो जाना चाहिए चाइना हर जगह, इसलिए कर रही है क्योंकि अभी चाइना ने इससे कोरोना फैला है। मान लो आने वाले टाइम में चाइना ने और एक और न्यूक्लियर वेपन बना दिया, न्यूक्लियर नहीं सॉरी, और बायो केमिकल वाला कोई ऐसा बना दिया, वायरस बना दिया, और वो फोन्स में डाल के पूरे हर जगह भेज दिया, फिर तो कोई नहीं बच सकता। अभी तो चलो घर में है, बच गए, तब तो फोन्स में वायरस आ जाएगा। इसलिए हर कंट्री जो है वो चाइना को ब्लॉक कर रही है, चाइना की हर एक चीज को ब्लॉक कर रही है। अब मैं बता दूं कि जो चाइना है वो इस वर्ल्ड का 48% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट खरीदती मतलब बनाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, पूरे वर्ल्ड में 100 चीजें बन रही हैं, 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उनमें से 48 चाइना में बने होते हैं। तो अब एप्पल के सामने मुश्किल है, एप्पल इन सैमसंग, एचपी, बहुत सारी कंपनीज हैं, इन सबके सामने ये प्रॉब्लम है कि अब वो अपने प्रोडक्ट्स कहाँ पर असेंबल करें। तो अभी यूपी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उन्होंने यूपी में इन्वेस्ट कर दिया है, यूपी में जगह खरीद ली है कि हम, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एमएनसीज हैं, जो अपना सारा पैसा, अपने इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिया में खड़ी कर रही है। और अगर इंडिया में एप्पल आ जाता है, मतलब एप्पल की असेंबली इंडिया में होने लग जाती है, तो भाई साहब तबाही हो जाएगी। तबाही क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो 1 लाख का प्रोडक्ट है वो 80,000, 60,000 या 70,000 तक बिकेगा। आप अगर मतलब जैसे मेरा कोई दोस्त है अमेरिका में कोई रहता है, तो जब भी कोई भी रिलेटिव हमारा वो अमेरिका से जब आता है तो हम उसे एक चीज कहते हैं, भाई आईफोन ले आइयो, पैसे में पेमेंट कर दूं। क्यों, अमेरिका में 60,000 से 70,000 का मिल जाता है आईफोन, और यहाँ पे 1,10,000, 1.5 लाख, उससे भी ऊपर भाई साहब, अलग अलग एडिशन निकलते हैं, गोल्ड एडिशन भी निकलते हैं कहीं कहीं। तो इसलिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा कोई दोस्त या रिलेटिव अगर अमेरिका में, तो हम उससे आईफोन मंगवा लें, बाद में उसको हम पैसे दे देते। लेकिन अगर इंडिया में एप्पल आ गया, मतलब एप्पल की असेंबली इंडिया में होने लगी तो उसके प्रोडक्ट्स की, तो हमारे लिए सस्ता हो जाएगा एप्पल। इतना सस्ता नहीं कि भाई एंड्रॉयड से सारे एप्पल पे कूद पड़े, नहीं, पर 80,000 तक उसका प्राइस आ जाएगा, जो कि 1,10,000 का। तो अगर इंडिया में एप्पल आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, और बस इतना ही है इस वीडियो में। अगर मेरे को कोई आगे जानकारी मेरे सूत्रों से मिलेगी, सूत्र वैसे है नहीं यार कोई, हाँ मम्मी इकट्ठे कर लेंगे, चिंता मत करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मैं मतलब पता है उसमें जाता हूँ, यूट्यूब क्रिएटर्स में, उसमें आता है कि 60-70% लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, लेकिन यार तुम आके देख के निकल लेते हो, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, कर दो यार, कर दो, कोई टैक्स वैक्स नहीं लग रहा, लाइक करना सब्सक्राइब करना बैन नहीं है। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।
सी यू लेटर एलिगेटर, स्टे होम स्टे सेफ, और हाँ आई बटन में कुछ वीडियोस होंगी वो देख लेना। बाय बाय, सी यू लेटर, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय।